हमारे पास एक मुसन्निफ बैठे हुए हैं जिन्होंने सिर्फ ता रब रसूल दिया लिखिया सी और उसके बाद वो बड़े गुमसुम होके यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो मैं ये कभी भी नहीं चाहूँगी कि इनकी हक तलफी हो। और हमारे भाई ने इतनी अच्छी इतनी मेहनत से ये किताब लिखी है और उसका कलाम ना हम सुन सकें। तो तशरीफ लाते हैं असगर रहमानी साहब जो कि हमें सिर्फ ता रब रसूल में से कुछ सुनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मेरी बहन मैडम फौजिया, यकीन करो कि मैनू बिल्कुल इस गल का नहीं सी कि मैं भी कोई कलाम सुनाया और ना मेरी तैयारी सी, लेकिन एडे एडे बड़े शायर लोग उनके सामने खड़े होकर पढ़ना मेरे वास्ते बड़े एजाज की गल है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने साड़ी जान कुरबान, उन्होंने नाम तो साड़ी जान कुरबान, उन्होंने एक बेशुमार मौजज़े ने। एक मौजज़ा के जदों अबू जहल हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोल गया तो जाके हाथ च कैंकर सन, मुठ्ठी दे विच बंद सी, उन्हें कहा अगर ए मुहम्मद तू मैनूं दस दे कि मेरी मुठ्ठी दे विच की है तो मैं तेरे ते ईमान लै आवांगा। लेकिन हजूर पाक ने आख्या मैं नहीं दसना, जो तेरी मुठ्ठ दे विच है ओही दसेगा कि तू इत्थे मैं कौन हाँ। लेकिन वो सारी दुनिया को पता बहुत ही मशहूर एक मेरी किताब का मौजज़ा लिखा होया। रहम करी तू मालिक साया रब सतार गफारा, भेजा लख दरूद नबी ते जगदारा ज दुलारा, पाक नबी दी शान शेरी बीच बयान नयावे, जिसनू आपे मालिक सोना अरशा शीक बुलावे, जिस दे उते रब सचने जिस दे उते रब सचने दसण दी कोई लोड़ न मैनू, दसण दी कोई लोड़ न मैनू, पाक नबी फरमाया आपू बोल दसावेगा जो मुट्ठी विच लुकाया, सोने नबी दी आखी सुन के कैंकरा बोल सुनाया, तेरे वर्गा नबी प्यारा जग ते होर न आया। अबू जहल ने मुठ सी खोली बड़ी हैरानी, हथ मेरे चो पीकन आई अज आवाज इंसानी, कैंकर पाक नबी नू तकिया, कैंकर पाक नबी नू तकिया, कलमा तुरत सुनाया, अबू जहल शर्मिंदा होया नाल सी घबराया, सुट वगावे कैंकर सारे नफरत पिया वखांदा, शर्म जरा ना खावे, आदि समूद जी कौम दवांगर वेख यकीन न आवे, अगे चाचा पावे पर ओ होवे रुकमावे, घर विच वसदी रहमत यारो चोली मूल न पावे, पाक नबी दा खुलक न्यारा वखरा दिसे जहानों, उस दे खुलक अजीमी किसे मिलते हैं कुरानों, विच जमी असमाना उसदा कामल नूर हजूरी, जग दे